हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक माय चैनल द ऑल राउंडर। और आप सबको हैप्पी ग्यारस, क्योंकि ये एडिटिंग जो जिस दिन कर रही हूँ और मेरा आज बर्थडे भी था तो ग्यारस का दिन था, तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी ग्यारस। तो ये देखिए फ्लावर कितने सुंदर है। और आज मेरा बर्थडे था तो मैं मना नहीं रही थी, बिल्कुल ही मन नहीं था। तो देखिए कौन आया मेरे यहाँ अचानक से लेके मेरा सरप्राइज, मतलब बिल्कुल हम लोग, मैंने मना ही कर दिया था इनको भी लाने के लिए, ला रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया था। तो देखिए आ गई मीठी की मम्मी, मॉम विथ मीठी एंड व्लॉग्स यूट्यूबर, जो हम उन्होंने मेरा मतलब वीडियो बर्थडे के मनाया है और वो सरप्राइज़ केक लेके आ गई है। तो एकदम से मुझे बिल्कुल अच्छे, मतलब ये नहीं था, मुझे लगा 5 बजे तक मैंने वो मतलब लगा था कि वो आएंगे, उसके बाद फिर वो नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने ना सिंपल सा ही खाना बिल्कुल कुछ नहीं बनाया था, अगर ऐसा लगता कि वो आने वाले, क्योंकि उसी दिन मिट्टी के बड़े पापा के लड़के का भी बर्थडे था तो वो वहाँ चले गए थे, तो वहीं से वो आए थे। तो मुझे बोले कि मतलब मुझे पता बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, अगर अंदाज़ा रहता ना तो मैं उनको बिल्कुल केक लाने नहीं देती। तो उन्होंने केक ले आए और बोले कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तो फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई और मैंने सिंपल सा खाना डिनर बनाया था। तो फिर मैंने वो आए तो पूरी तल रही, मीठा कुछ भी नहीं बनाया था, ग्यारस था तो ऐसा ही। फिर वो ये देखे केक ले आए, मीठी देखी कितनी क्यूट लग रही, मीठी को बहुत जल्दबाजी थी और बहुत खुश थी। तो यहाँ पे उन्होंने कैंडल वगैरह कुछ भी नहीं मैंने जलाई थी, ऐसे सिंपल सा, क्योंकि उनको जल्दी जाना था, बहुत लेट आ गए थे और ठंड बहुत है ना, तो उनको दूर जाना है, तो बच्ची छोटी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी केक काट ली जल्दबाजी में और मैं खाना आधा वैसा फिर बाद में पूरी बना दी थी। तो बस एकदम से अचंबा, और पता है कोई रहता है तो अच्छा लगता है मनाने में, लेकिन मैंने सोचा इस बार मैं मनाऊँ नहीं, क्योंकि अभी डिंकी का भी आने वाला था, तो मैंने सोचा कि अभी 8-10 दिन के बाद डिंकी का भी आने वाला है तो ये कर लेंगे। और खुद से मनाओ तो मज़ा नहीं आती, अगर अपना खुद कोई दूसरा मनाए तो बहुत मज़ा आती है। नहीं तो मैं इस बार मैंने ठान ही लिया कि नहीं मनाएंगे, क्योंकि हर बार फिर एक को बुलाओ दूसरे को नाराज़ी, दूसरे को बुलाओ तीसरे को नाराज़ी, तो ऐसे रिलेशन में चलता रहता है इसलिए। और ग्यारस भी थी तो उस चक्कर में कोई ज़्यादा आते हुए इसके कारण मैंने मनाया नहीं था। तो ये देखिए उन्होंने केक लाए और मनाया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब लगा कि है बर्थडे तो इस टाइप का। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जी मीठी में और इन्होंने रस मलाई उस केक लाया था, बहुत जल्दी पिघल रहा था, बहुत ही टेस्टी था केक और अच्छा लगा। तो ये मेरी भांजी है तो उनको फिर मैंने खिला दी और मीठी देखी कितनी खुश हो रही है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा ब्लॉग आपके साथ ये कर रही हूँ, तो बहुत मज़ा आई, इंजॉय और अच्छा भी लगा कि चलो भाई मना तो लिए है, ऐसा भी लगा कि बर्थडे है करके। तो बस इस टाइप का छोटा सा सरप्राइज दे दिया था, बिल्कुल मन में ऐसा लगा ही नहीं। और देखिए इनका मुंह कैसे मैंने भर दिया मीठी का, फिर टिंकी परी को खिला देंगे। और टिंकल है ना, ये गौरव भी मेरे गाल को है ना पूरा ख़राब कर देता है, मुझे नहीं लगता कि क्रीम व्रीम कुछ लगे। यहाँ परी भी तैयार हो गई जल्दी से, परी भी खिला रही हूँ और डिंकी परी सबको खिला रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, आई को भी, तो अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे वो भी अपने ब्लॉग के लिए वीडियो बना रहे थे, तो ये देखिए, और बहुत ही मतलब इंजॉय लगा, अच्छा लगा। और छोटे मतलब ऐसा ही घर घर में, और इतना अच्छा कि मतलब मन बहुत ऐसा लगा कि है बर्थडे। और देखिए टिंकल ने मेरे गाल को क्या लगाया, और यहाँ पे दामाद जी भी मुझे खिला रहे, मैं भी उनको खिला रही हूँ। हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं पर्दा वर्दा और ऐसा ऐसा ही सिंपल सा आया। और वो बहुत थक के बहुत दूर से आ गए थे, क्योंकि उनकी जेठानी बहुत दूर रहती है तो वहाँ से वो आए थे, तो इस कारण। और ये मीठी देखिए, मीठी बहुत इंजॉय करती है, बिल्कुल मतलब अलग ही गर्ल लड़की है ये, बहुत इंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर इसमें वो एडजस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे ये देखिए वो इनके सिद्धार्थ जी के पास जाके केक मांग रही थी बार बार, और बोल रही थी केक दो केक दो, फिर एक कूप के लिए भी केक ले जाएगी। और मैं अपना मुंह जो क्रीम लगाई थी ना मुंह धो के आ गई थी, उसके बाद मैं किचन में चली गई पूरी बनाने की, ताकि खा के, वो खाना नहीं खाने वाले थे क्योंकि वो जस्ट खा के आ गए थे वहाँ से। तो देखिए इतने दूर से आए अपने यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं तो मैं पहले ही उनको इनवाइट करती हूँ, अगर मुझे करना रहता है ना तो मैं उनको सबसे पहले इनवाइट करती हूँ। मेरे यहाँ कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन मीठी और मीठी की मम्मी पापा ज़रूर रहते मेरे यहाँ, छोटा सा भी फंक्शन हो तो। यहाँ देखिए क्या हो रहा था, ये रो रहे थे गाइस, है ना, ये मैंने अपने खुद से बनाई हूँ अपना ये जो मॉम विद मीठी एंड व्लॉग्स है ना,
उन्होंने सरप्राइज दिया है, नहीं तो मैं नहीं मना रही थी। मेरे पिछले साल भी नहीं मनाया था। और रिंकी का आने वाला है, वही उसका अभी तो 8-10 दिन में आ ही जाएगा, इसे मैं अपना खुद का नहीं मनाती हूँ। तो अच्छा लगा, सरप्राइज दिया उन्होंने तो। फिर देखिए एक ही थाली लगा ली मैंने, उनको बिल्कुल भूख नहीं थी तो एक ही थाली में मैंने सोचा कि दोनों खा लीजिए। तो 5 मिनट में झटपट, मतलब न सोचने वाला भी, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि आज मेरा केक कटेगा करके, तो अचानक से सरप्राइज देने आ गई मामी थी मीठी। तो अच्छा लगा। और इनके लिए मैं इधर पूरी तर रही थी तो डिंकी इनको है ना एक ही थाली में सबको खाना मतलब इन लोगों को खिला के भेज रही, क्योंकि ठंड बहुत है और बच्चे को बीमार होते। ये लोग बोल रहे कि मैं नहीं खाऊंगा, ये टिंकल देखे कितना मस्ती कर रहा है। टिंकल इनमें है ना, टिंकल एडजस्ट हो जाता है, इनको अच्छा लगता है कोई आ जाए तो टिंकल को भी। फिर ये लोग भी सब मिलके खा रहे हैं, यहाँ पे परी भी खा रही है। गाइस अभी है ना विनीता है ना मिट्टी की मम्मी चली गई है, मॉम विद मिट्टी जिनका चैनल है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सरप्राइज दिया हम लोग। मैं भी उनकी इसमें गई थी तो उनका बर्थडे का और उनका सालगिरह या भी मैंने उनको सरप्राइज दिया था। तो इस बार मैं मना रही थी, नहीं तो मैं उनको कभी नहीं ये करती, मैं मना ही नहीं रही थी क्योंकि क्या करें, मनाए घर घर में मनाओ, हर साल वही वही अपना एज कम होता है। इस साल मैंने फाइनल कर ही लिया था कि मैं इस साल से कभी बर्थडे नहीं मनाऊंगी। तो फिर उन्होंने अचानक से आ गई और सर उनका जेठ के लड़के का भी बर्थडे था तो वहाँ से गई और वहाँ आई। मुझे बिल्कुल ये नॉलेज नहीं था कि वो मेरा बर्थडे मनाएगी करके, तो मतलब वो आएगी केक लेके करके, तो केक लेके आ गई। तो फिर मैंने थोड़ा अच्छा भी लगा, बच्चे बोल रहे थे मना लो और टिंकल भी बोला, लेकिन अभी डिंकी का आने वाला था तो मैं डिंकी का भी सिंपल ही तरीके से मना रही हूँ मनाऊंगी, क्योंकि है ना जितना भी करूँ वो ठंडी का दिन रहता है और क्या किस मतलब इतनी ठंडी में हर साल वही 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 वही। तो आज इस बार हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल आ जाए तो वो अपने फ्रेंड सर्कल से ही मतलब उसमें ही मनाएंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोग अपने हिसाब से मना लेना। तो इस बार मैं ये सोच लिया कि बर्थडे बच्चों का भी सिंपली मनाऊंगी जब तक, और अभी हो गए बचपन से लेके मैं अभी तक बहुत अच्छे से मना रही थी। और कैसा लगा, अभी मैं डिनर को चले गए डिनर करके, और बिल्कुल मुझे अगर थोड़ा सा भी ये लगता कि वो आ रहे तो मैं थोड़ा पनीर वगैरह, क्योंकि मेरा खाना बन गया था, मेथी की भाजी कढ़ी दाल और सेम फली बनाई थी मैंने, और पूड़ी नहीं पराठे बनाने वाली थी तो वो आ गए तो मैंने पूड़ी बना ली, क्योंकि सबके साथ एक को बुलाओ दूसरों को नहीं बुलाओ तो इससे क्या होता है, थोड़ा मन मुटाव रिश्ते में तो बहुत मन मुटाव हो जाता है। इसलिए मैं अभी किसी को भी मतलब बर्थडे में जैसे मनाऊंगी नहीं, घर मनाना हो तो रक्षित कर लूँगी घर घर में बच्चों का, इस टाइप का है। तो यहाँ पे टिंकी टिंकल इन लोगों ने खाना खा लिया है और मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। और ये वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाया, नहीं तो आप बोलोगे कि ये वो, तो लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं जा रही हूँ डिनर करने तो आप भी आ जाइए, बस मैं और डिंकी के पापा और सिद्धार्थ जी बच्चे, तो हम तो डिंकी बच्चे हम तीनों अभी डिनर कर लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सब खाना खा रहे, हम मतलब सब खाना खा के चले गए थे और मैं डिंकी और यही खाना खाने बचे थे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ।